बच्चों आज हम आप लोगों को लिटरेचर में लेसन 5 पढ़ाने जा रहे हैं, जो टाइटल है हमारा आई एम जॉनसन, मैं जॉन का हेडर, जो कि हमारे राइटर जेडी रेस्पी के द्वारा लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि जो राइटर कोई चीज करते हैं, लिखते हैं, उसके लिए रिटर्न आता है, और जो पोएट लिखते हैं उसके लिए कंपोज आता है। तो ये रिटर्न बाय जेडी रेस्पी के द्वारा लिखा हुआ ये है, रिटर्न बाय है, ठीक है। आप देखिए, आपको इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, पूरी समरी इसके बारे में बता चुके थे, क्या समरी है इसके आगे से आप देखिए, जहां से आगे देखिए, नो वन कुड से आई एम ब्यूटी, नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सकता आई एम ब्यूटी कि मैं सुंदर हूँ। क्या कहता है हैदर? कहता है कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं सुंदर हूँ। आई वे 340 ग्राम्स, मेरा वे माने मेरा वजन, मेरा वजन 340 ग्राम है। आई एम रेड ब्राउन इन कलर, मेरा रंग लाल भूरे कलर, मतलब मेरा रंग जो है वो लाल भूरा है, यानी मैं लाल भूरे रंग का हूँ। एंड हैव एन इम्प्रेसिव शेप, और मेरा आकार अनइम्प्रेसिव है, यानी आकर्षक नहीं है, अप्रभावशाली है, यानी मैं एक आकर्षक रूप वाला नहीं हूँ, अप्रभावशाली रूप है मेरा। आई एम जॉन डेडिकेट स्लेव, मैं जॉन का सबसे अधिक स्वामी भक्त, डेडिकेटेड माने स्वामी भक्त, यानी सबसे अधिक केयर करने वाला, मैं जॉन का सबसे अधिक स्वामी भक्त स्लेव माने दास हूँ, नौकर हूँ। हिज हार्ट, कौन कह रहा है? उसका हृदय कह रहा है। क्या कह रहा है कि नो वन, आइए इसकी इंग्लिश देखिए, पहले इसका एक्सप्लेन देखिए, नो वन इन दिस पैरा जॉन्स हार्ट सेज अबाउट जॉन, ही सेज दैट नो वन कुड से दैट द हार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, द हार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, नो वन कैन से द हार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। हार्ट सेज इट्स वेट इज, इट्स वेट 340 ग्राम्स एंड इट्स कलर इज रेड ब्राउन, इट्स शेप इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, इट्स शेप इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। जॉन्स हार्ट सेज ही वॉज कॉल्ड जॉन्स हार्ट, इट वॉज जॉन्स फेथफुल सर्वेंट, जॉन हार्ट सेज दैट इट वॉज इट फॉर हर, इट वॉज जॉन्स फेथफुल सर्वेंट्स। आई हैम इन दिस लेसन ओनली हार्ट सेज, समझ में कहता है आई हैम बाई लिगामेंट्स इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, क्या कहता है, मैं लटकता रहता हूँ, लिगामेंट्स माने हाँ लिगामेंट्स माने उत्को के माध्यम से, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, मैं छाती के बीचों बीच लिगामेंट्स माने उत्कों से लटकता रहता हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है। एंड एट माय वाइडेस्ट पॉइंट, और मेरी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। हृदय कह रहा है कि मेरी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है और मेरी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। मोर प्योर शेप देन वैलेंटाइन, माने ट्रेडिशनल वैलेंटाइन, ट्रेडिशनल, ये वाला वैलेंटाइन नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, समझा गया? हाँ, ये कहते हैं मोर प्योर शेप देन वैलेंटाइन, ये मेरी इसकी परंपरागत आकार जो है वो कैसा है, इसकी ट्रेडिशनल शेप कैसी है, एक नाशपाती की भांति है। कह रहा है कि मैं तंतुओं के माध्यम से, लिगामेंट्स तंतुओं के माध्यम से चेस्ट के बीचों बीच लटकता रहता हूँ, तंतुओं के माध्यम से, लिगामेंट्स तंतुओं के माध्यम से चेस्ट के बीचों बीच यानी छाती के बीचों बीच लटकता रहता हूँ। आई एम अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और मेरी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। मेरा शेप, मेरा आकार परंपरागत रूप से इसकी नाशपाती की भांति है। वट एवर यू मे हैव हियर, जब कभी भी आपने सुना होगा, अबाउट मी फ्रॉम पोएट्स, जब कभी भी आपने कवियों के माध्यम से या कवियों के द्वारा मेरे बारे में सुना होगा, क्या सुना होगा, आई हैम नॉट वेरी रोमांटिक करेक्टर, क्या सुना होगा कि मैं हाँ मेरा करेक्टर बहुत रोमांटिक नहीं, यानी फुल ऑफ रोमांस नहीं है, मैं बहुत अधिक हंसी मजाक करने वाला नहीं हूँ। I am just a hard working four chambered pump, कह रहा I am a just hard working, मैं कितना अधिक कठिन परिश्रम करता हूँ, कहता है four chambered pump, कितना कि मैं हाँ four chambered pump कि मैं चार प्रकोष्ठों वाले पंपों से क्या करता हूँ, उसको पंपिंग करता हूँ। अभी आप समझिएगा इस दोनों लाइन का अर्थ, एक्चुअली टू पंप, जैसे मैं कितना
और जो दूसरा है वो मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। कहता है एवरीडे आई पंप ब्लड थ्रू अबाउट 96 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए कहता प्रतिदिन मैं कितना बार करता हूँ, एवरीडे प्रतिदिन आई पंपिंग, आई पंप ब्लड, मैं ब्लड कितना पंप करता हूँ, पंप माने मना, हाँ पंप करता हूँ प्रतिदिन थ्रू अबाउट 96,000 किमी ऑफ ब्लड वेसल्स। किसी को आइडिया नहीं होगा, ब्लड जो है वो फेफड़े जो है वो पूरे शरीर में 96,000 यानी 96,000 किलोमीटर रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाहित करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू वर्क करता है फट हमारा, कंटिन्यू वर्क करता है और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर करता ही रहता है, तो ना इतना वर्क करता है। अभी और समझिए आगे, प्रतिदिन आई पंप ब्लड, मैं कितना ब्लड जो है उसे पंपिंग के माध्यम से पहुंचाता हूँ, लगभग 96,000 किमी ऑफ ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाओं में, 96,000 किलोमीटर रक्त नलिकाओं में मैं रक्त प्रवाहित करता हूँ। दैट्स एनफ पंपिंग, ये कितना पर्याप्त होगा, दैट्स एनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर टैंक, कि यदि 18,000 लीटर वाली पानी की कोई टंकी हो तो वो भर जाए जितना मैं वर्क करता हूँ, समझाया। कहता है दैट्स एनफ, ये पर्याप्त पंपिंग होगी, जितनी पंपिंग मैं करता हूँ ये पर्याप्त होगी यदि एक 18,000 की कैपेसिटी वाला पानी वाला टैंक जो हो वो भर जाए, इतना मैं केवल पूरी बॉडी में सुबह से लेकर शाम तक रक्त प्रोवाइड करता हूँ। आगे देखिए इसको इंग्लिश में देखिए, हार्ट सेज दैट इट हैंग बाय लिगामेंट्स इन द मिडिल ऑफ द चेस्ट, इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वाइड्स WIDTH वाइड्स 10 सेंटीमीटर, इट्स शेप इज ट्रेडिशनल जस्ट लाइक अ पीच, इट्स ट्रेडिशनल शेप इज जस्ट लाइक अ पियर, नॉट पीच, जस्ट लाइक अ पियर, वट एवर वेन एवर यू हियर फ्रॉम द पोएट यू हियर दैट माय कैरेक्टर इज नॉट वेरी रोमांटिक, आई एम नॉट फुल ऑफ रोमांस, आई एम नॉट यानी द हार्ट इज नॉट फुल ऑफ रोमांस, इट्स कैरेक्टर इज नॉट रोमांटिक। राइटर सेज दैट द हॉर्स हैड ए हार्ड वर्कर, हार्ड इज अ वेरी हार्ड वर्कर, ही वर्क टू मच हार्ड दैट एक्चुअली टू पंप्स वन मूव ब्लड टू द लंग्स एंड द एंड बाय द अदर ही पुश ब्लड इन टू द बॉडी, एवरी डे ही पंप्स टू मच ब्लड नियर अबाउट 96,000 किमी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट विल बी एनफ एज अ टैंक विच हैज द कैपेसिटी ऑफ 18,000 लीटर वाटर, इट कैन बी फिल्ड एज द हर्ड वर्क। यहां देखिए दैट्स एनफ पंपिंग टू फिल एन 18,000 लीटर, इट इज एनफ एज एनी वॉटर टैंक विच हैज द कैपेसिटी ऑफ 18,000 लीटर वाटर, इट कैन बी फिल्ड एज द हार्ड वर्क इन अवर बॉडी। नेक्स्ट, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब भी जॉन मेरे बारे में सोचता है, ही थिंक्स ऑफ मी एज फ्रेजाइल एंड डेलिकेट। कहता जब भी जॉन मेरे बारे में सोचता है वो सोचता है मैं बहुत कमजोर हूँ, नाजुक हूँ, डेलिकेट हूँ एंड और कैसा हूँ, नाजुक हूँ, इजिली ब्रोकन हूँ। क्या सोचता है, वाकई में हृदय को आप देखिए बहुत नाजुक होता है, सबसे पहले इसी की इंजरी इंसान की जान ले जाती है ना, और लेकिन हार्ड वर्कर भी होता है। यहाँ पर आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, क्यों क्यों है, क्योंकि एक तरफ तो हार्ड वर्कर कहा जा रहा है, एक तरफ नाजुक कहा जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीमोरन है। ठीक है, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, जब भी जॉन मेरे बारे में सोचता है वो सोचता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत नाजुक हूँ, डेलिकेट हूँ। कहता है व्हेन अप टू नाउ आई हैव पंप्ड मोर देन 3 लाख टन्स ऑफ इट ब्लड। देखिए जब भी मैं सोचता हूँ, कहता है मैं कितना पंप कर चुका हूँ, 3 लाख टन मैं ब्लड जो है उसे प्रवाहित कर चुका हूँ पंपिंग के माध्यम से। ये 3 लाख टन है, देखिए 3 लाख टन ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में मैं प्रवाहित कर चुका हूँ। वर्क ट्वाइस, कहता है आई वर्क ट्वाइस, ट्वाइस माने दो गुना, और ट्वाइस माने दो बार भी होता है, ट्वाइस माने दो गुना भी होता है, दो बार भी होता है। कहता है मैं दो गुना, दो बार नहीं, मैं दुगुना वर्क करता हूँ
एज हार्ड एज द आर्म मसल, यानी मैं बहुत अधिक वजन उठाने वाले या भारी वजन उठाने वाले चैंपियन, बॉक्सिंग चैंपियन जो होता है उसके आर्म मसल्स माने हाथ की मसल्स मांसपेशियों से, और स्प्रिंटर और धावक की दौड़ने वाले के पैर की मसल्स से ही मैं अधिक दुगना काम करता हूँ। देखिए इस कार समझिए, जो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन होते हैं उनकी हाथ की मसल्स मजबूत होती है, ठीक है ना, और जो दौड़ते हैं उनके पैर की मसल्स मजबूत होती है। तो कह रहा है कि मैं उनसे भी दुगना पर करता हूँ। जो हैवी वेट उठाने वाले होते हैं उनके हाथ की मसल जितनी मजबूत होंगी उससे कहीं ज्यादा, और दौड़ने वालों के पैर की मसल जो मजबूत होंगी उनसे दुगना वर्क मैं करता हूँ। कहता है कि आगे देखिए, लेट स्प्रिंटर माने धावक रनर दौड़ने वाला, मसल्स माने मांसपेशियां, लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, पेस माने स्पीड, यदि मुझे अपनी गति से चलने दिया जाए, लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, यदि मुझे अपनी गति से चलने दिया जाए, एंड देन दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट, तो एक मिनट में उनका कचूमर निकल जाएगा। यदि उन्हें इसे यदि मुझे अपनी स्पीड से देखिए, लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, यदि वे मुझे अपनी गति से चलने दें तो एक मिनट में उनका कचूमर निकल जाएगा। कहने का मतलब है वो एक मिनट में बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे, बिल्कुल इतना अधिक इनका कट इस उससे भी दुगना इनका वर्क है। समझा किसका, हार्ड का। अभी यहाँ पर और अतिशोक्ति आई, ये भी देखिएगा, कहते हैं दे उड टर्न टू जेली, टर्न टू जेली माने उनका कचूमर निकल जाएगा, ठीक है ना, इन मिनट्स माने मिनट में ही। नो मसल्स ऑफ द बॉडी, इसका सेंटेंस का अर्थ समझिएगा, नो मसल्स इन द बॉडी, शरीर में कोई भी बॉडी मतलब शरीर में कोई भी मांसपेशी कोई भी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि मैं। हृदय क्या कर रहा है कि शरीर में कोई भी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि कौन है, मैं यानी हृदय, एक्सेप्ट दोज ऑफ वुमेन्स यूट्रस, केवल स्त्रियों के यूट्रस को छोड़ के। ऑल द स्टूडेंट नो यू वेरी वेल अबाउट यूट्रस, है ना, सबको पता ही है, ठीक है। कहते हैं कि शरीर के की कोई भी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, केवल किसको छोड़कर, वोमेन यूट्रस को छोड़कर। आप समझिए वोमेन यूट्रस उससे भी अधिक स्ट्रांग है ना, क्यों, तो क्यों स्ट्रांग, अभी ये देखिए आगे आके, क्योंकि एज सी गिव्स बर्थ, वोमेन यूट्रस जिससे वो जन्म देती है, बट यूट्रिन मसल्स डू नॉट कीप एट इट डे, लेकिन जो हमारी यूट्रिन मसल्स है जो हमारी गर्भाशय की मांसपेशियां हैं वो भी डू नॉट कीप एट इट डे एंड नाइट फॉर 70 years, वो भी कितने वर्ष से अधिक नहीं काम कर सकती है, 70 years तक। अब देखिए यहीं पर आके देखिए, कह रहे हैं कि कोई भी मसल इतनी स्ट्रांग नहीं केवल वुमेन्स यूट्रस को छोड़कर, ठीक है ना, लेकिन वुमेन यूट्रस की कैपेसिटी कितनी है, ओनली 70 years, बट हार्ट हमारा आप 100 years जीए, आप 90 जीए, जितना भी जीए हमारा बराबर वर्क ही तो बढ़ता रहता है, कंटिन्यू बढ़ता है, वो बात अलग है कि थक जाता है। इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है काम के साथ साथ हमें थोड़ा आराम भी चाहिए होता है, क्योंकि हमें अपने हार्ट को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देना है। अगर वो थकेगा हम थकेंगे तो वो थकेगा हमारी बॉडी में एग्जर्शन होगा और उसके थकने से हमारा शरीर आगे के सारे फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। तो कोशिश हमें करनी है कि हमारे हार्ट को थकने नहीं देना है, इसीलिए इसको कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कितनी अतिशयोक्ति है कि नीचे की 2-3 लाइनों में केवल देखिए कि कहता है नो मसल्स इन द बॉडी और एज स्ट्रांग एज आई एम, शरीर के मतलब कोई भी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि मैं, एक्सेप्ट दोज ऑफ ह्यूमन यूट्रस, केवल स्त्रियों के गर्भाशय को छोड़कर जिससे वो जन्म देती हैं। लेकिन यूट्रिन मसल्स भी डू नॉट कीप डे एंड नाइट फॉर 70 years, वो भी 70 साल से रात और दिन 70 साल से अधिक वर्क नहीं कर सकती है, 70 साल कैपेसिटी है। एज आई एम एक्सपेक्टेड टू डू, जैसे कि मुझसे आशा की जाती है, इनसे कितनी आशा की जाती है, होल लाइफ, जब तक भाई हार्ट तो हमारा तो होल लाइफ चलता है जब तक जिएंगे, जबकि इससे 70 years का कोई बंधा हुआ नहीं है, इसको 70 years के आगे भी इससे आशा की जा सकती है। आप कोर्स से देखिए, व्हेन जॉन थिंक्स ऑफ मी एट ऑल, प्लीज सी इन इंग्लिश एक्सप्लेन, व्हेन जॉन थिंक्स
ऑफ मी एट ऑल. ही थिंक्स दैट आई एम वेरी